नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। योर मनी में हमारी कोशिश होती है वो हर जानकारी आप तक पहुंचाने की जो आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी हो। आज हमारा फोकस है आपके फाइनेंशियल प्लानिंग पर, और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। पहला सवाल मनीष कत्याल पूछना चाहते हैं। मनीष नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्ते स्वाति, थैंक यू फॉर गिविंग ये अपॉर्चुनिटी। ओके, मेरा सवाल ये था कि जिसमें मेरा एक्सपेंसिव इज समवेयर अराउंड 50 to 55,000, तो मेरा अप्रोक्सीमेट सेविंग 30,000 मैं कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें मुझे ये जानना है कि मेरे गोल्स हैं कि मेरी एक साल की बेटी है, तो उसकी 18 साल तक उसकी एज तक 18 लाख रुपए कुछ चाहिए थे उसकी एजुकेशन के लिए, और उसके 24 या 25 की मैरिज कम से कम 35 लाख तक का लोन चाहिए था। अच्छा, और मुझे मेरी रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी थी। करंट जो मंथली एक्सपेंसिस है 30 से 35,000 तक है, तो मैं सोच रहा हूँ मनीष एक बात बताइए, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 30 साल है। 30 साल है, ओके। चलिए, यहाँ पर सवाल हमारे सामने है, इनका डिटेल में इनको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करनी है। हेमंत, कुछ गोल्स बनाए हैं, आप बताइए कि कैसे इन सारे गोल्स को अचीव किया जाए। देखिए स्वाति, जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं हमेशा कहते हैं कि जो रिस्क मैनेजमेंट है वो फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अगर हम जो इन्फॉर्मेशन देखें, मनीष ने जो इन्फॉर्मेशन दी है, तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा मनीष के, जहां तक रिस्क मैनेजमेंट का सवाल है, आई थिंक आपने बहुत अच्छा किया है इसमें। रिस्क मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, बेसिकली तीन चीजों की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस की, हम बात कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, और हम बात कर रहे हैं एक जो इमरजेंसी फंड जो हम बनाते हैं। यहाँ पे स्वाति, इन्होंने क्या किया है कि 2 करोड़ का इन्होंने एक टर्म प्लान लिया है। इसमें दो टर्म प्लान है, 1.5 करोड़ का, 1.5 लाख का। जो अगर हम क्वांटम की बात करें तो बिल्कुल सही है। तो एक तो क्वांटम लाइफ इंश्योरेंस का बिल्कुल सही है, दूसरा इन्होंने जो प्रोडक्ट लिया है टर्म प्लान वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये प्योर रिस्क कवर है, उसमें जो प्रीमियम है काफी कम रहती है। तो आई थिंक जहां तक लाइफ इंश्योरेंस का सवाल है, बहुत ही अच्छा इन्होंने किया है। और जहां तक इनके हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, इनके एम्प्लॉयर से इनको एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिला है, फैमिली और जो उनके लिए और उनके डिपेंडेंट्स के लिए। इसके अलावा इन्होंने खुद से भी एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, जिसमें सारी फैमिली के जो जितने भी मेंबर्स हैं उनको कवर किया है। ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर इन्वेस्टर को ये जानना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारे एम्प्लॉयर ने जो हमको हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, हम कोशिश नहीं करते जानने की हमारे लिए एडिक्वेट है कि नहीं। तो बहुत जरूरी है, देखिए अगर जरूरत हो तो आप खुद भी अपने से वो लीजिए। तो जो इन्होंने यहाँ पे किया है, 1.5 लाख रुपया यहाँ पे इनका है सेविंग बैंक अकाउंट में है, और 8 लाख का इनके पास एक और लमसम है जो इनके एक इमरजेंसी फंड के लिए काम कर सकता है। तो आई थिंक रिस्क मैनेजमेंट जहां तक सवाल है वो बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। इसके अलावा अगर हम इनके गोल्स की बात करें, 3 गोल इन्होंने कहा है। एक इनका गोल है बेटी की एजुकेशन के लिए चाहिए उनको 18 लाख रुपये चाहिए, क्योंकि यहां पर टाइम होराइजन मिनिमम 17 से 25 साल है इनकी जो तीनों गोल्स के लिए। तो मैं चाहूंगा कि ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखें जैसे इक्विटी एज एन एसेट क्लास, एसआईपी के द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जहां पे वो इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। तो मैं करीब 12% की अगर यहां पे इनके लिए रिटर्न मांग के चलूं, तो जो पहला इनका जो गोल है बेटी के एजुकेशन के लिए, उसके लिए करीब इनको 3,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। बेटी की शादी के लिए इनको करीब 24 साल में 35 लाख रुपये चाहिए, जिसके लिए इनको 2,500 रुपये इन्वेस्ट करना है। और इनके अपने रिटायरमेंट के लिए मैं करीब 25 साल का टाइम होराइजन अगर मान के चलूं, इन्होंने कहा इनको 3 करोड़ रुपये चाहिए, तो करीब 18,000 रुपये 12% के हिसाब से अगर मैं एनालाइज रिटर्न मानकर चलूं तो इनको चाहिए। तो कुल मिलाकर 23,500 के करीब इनको टोटल इन्वेस्टमेंट करनी है। 30,000 रुपये तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि इनको 1.5 लाख रुपये का बोनस भी मिलता है। तो ये आई थिंक जहां तक इनके गोल्स का सवाल है, मुझे नहीं लगता इनको कोई तकलीफ होगी यहां पे। सिर्फ जरूरी ये है कि एक बार ये इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करें, जैसे हम हमेशा कहते हैं, तो इसको कंटिन्यू रखें। इनका एक और यहां पे मैं बता दूं, क्योंकि हम इक्विटी फंड की बात कर रहे हैं, मैं कुछ एक फंड भी इनको रिकमेंड कर देता हूं। एचडीएफसी इक्विटी फंड जो एक मल्टी कैप फंड है वो देख लीजिए, आईसीआईसीआई फोकस को देख लीजिए, आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी और रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी, ये 4 फंड है। कैसे एलोकेशन करना है वो भी आपको बता देता हूं।
जैसे पहला गोल है 3000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है, तो वहां पे अगर आप 2000 रुपये आईसीआईसीआई फोकस में करें और 1000 रुपये आप करिए रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी में, और जो आपका रिटायरमेंट का जो गोल है जहां पे 18000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं वहां पे आप चारों फंड में इन्वेस्ट करें, 5000 रुपीज इन्वेस्ट कीजिए एचडीएफसी इक्विटी में, 5000 आईसीआईसीआई फोकस में, और दोनों बाकी जो फंड हैं उनमें 4000 इस तरह से अगर इन्वेस्टमेंट करें तो इनके सारे गोल जो है ये अचीव यहां पे कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज कहा है, शायद एक और घर लेना चाहेंगे 3 साल के बाद। इनके पास 6500 की सेविंग बाकी है अभी, और इसके अलावा जो 1.5 लाख का इनको बोनस मिलता है वो भी बाकी है। तो मैं चाहूंगा कि ये एक डेट हाइब्रिड फंड जैसे एमआईपी होते हैं, एचडीएफसी एमआईपी या फिर रिलायंस एमआईपी जैसे फंड में, या प्योर डेट फंड में, शॉर्ट टर्म किसी फंड में इन्वेस्ट करें, 3 साल तक कॉर्पस बनाएं, वहां जाके ये देखें कितना कॉर्पस बनता है, उस समय इनकी इनकम कितनी है, क्या वो पहला घर बेच के दूसरा घर लेना चाहेंगे या एक एडिशन एक घर लेना चाहेंगे। तो आई थिंक 3 साल का समय है, कोशिश यही करें कि जो एडिशनल मनी इनके पास अवेलेबल है बाकी गोल्स को छोड़ के उसमें ये अपना एक कॉर्पस बनाने की कोशिश करें, इसको बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोर्टफोलियो ना बनाए क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है। इसलिए मैंने कहा डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड जैसे अगर ऑप्शन देखें तो बिल्कुल सही रहेगा। इस तरह से अगर ये करें तो 3 साल के बाद जो घर का जो इनका एक गोल है वो भी डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से इनको उसको आगे लेके जाना है। ऑल राइट, तो आपको यहाँ मनीष हमने फंड किस फंड में आपको निवेश करना है इसकी सलाह दी है। बस आप थोड़ा रेगुलरली डिसिप्लिन तरीके से निवेश कीजिएगा, आपके पास सफिशियंट सेविंग है अपने सभी गोल्स को अचीव करने के लिए, आप निवेश करना शुरू कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने में। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक हट के सवाल पूछना चाहूंगी, हालांकि प्लानिंग का हिस्सा होता है। जैसे कि अभी बाजार में मनापुरम को लेकर जो खबरें चल रही हैं उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक तो खैर गिरा ही पिटा ही, जो उसका एनसीडी आया हुआ था बाजार में और तब रेटिंग एजेंसीज ने उन्हें ठीक ठाक रेटिंग दी थी और हमने भी तब निवेशकों को जो रिस्क ले सकते हैं कुछ निवेश की सलाह भी दी थी। ऑफकोर्स वो किसी की फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा रहा होगा वहां निवेश करना, लेकिन आज की डेट में कंपनी की अगर हालत देखे हम हेमंत, तो हमें कंपनी पैसे हमें देगी वापस नहीं देगी इसके ऊपर थोड़ा सा एक शंका है, एक संशय बना हुआ है। जब आपका कोई निवेश इस तरीके से डूबता हुआ नजर आता है पूरी प्लानिंग में, तो उसको आप पूरे पोर्टफोलियो को या पूरी प्लानिंग को बैलेंस आउट करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी किसी को अपनानी चाहिए? देखिए, इससे पूरे पोर्टफोलियो में तो फर्क नहीं पड़ता। मुझे अच्छे से याद है जब भी हमने इस इश्यूज के बारे में बात की हमने हमेशा यही कहा है कि अगर आप रिस्क ले सकते हो तो ऐसे इश्यूज में जाइए, क्योंकि इनकी जो रेटिंग है वो बहुत ज्यादा हाई रेटिंग नहीं रहती है, ये हाँ इन्वेस्टेबल ग्रेड में रहता है, लेकिन हमेशा हम कहते हैं कि थोड़ा सा अगर आप रिस्क ले सकें, यही जब इसीलिए हम कहते हैं कि थोड़ा रिस्क अगर आप ले सकें तभी, क्योंकि ऐसी चीजें हो सकती हैं। उस समय पे जब गोल्ड बहुत अच्छा कर रहा था, सब कुछ लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसा अगर ऐसा हुआ है और जिस इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में एनसीडीज अगर हैं तो उसमें पूरा पोर्टफोलियो के लिए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, और ये मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ी क्राइसिस है। ओके, एक कुछ लॉस हुआ है उनको। इसका एग्जाम्पल लेके हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई आपका एक निवेश है जो आपने किया है जिसका रिटर्न आपको दिख रहा है कि शायद अब अच्छा ना मिले, कहते कि डूबा हुआ पैसा या फिर वहां पर बहुत कम रिटर्न मिलने की उम्मीद है, तो वैसे में चाहता है निवेशक कि जो यहां नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई मैं कहीं और से करूं या किसी और निवेश से करूं, तो वो स्ट्रैटेजी मुझे जानने का मन है कि वो वहां पर एक निवेशक क्या डर जाए, छोड़ दे उस निवेश को, सोच ले कि पैसे डूब गए हैं यहां पर कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, मुझे लगता नहीं, पहली बात तो कि पैसे डूबने तक की नौबत है यहां पर। जैसा मैंने कहा, अगर कभी हड़बड़ी है, कहीं लगता है थोड़ी क्राइसिस है, तो ये नहीं करना है कि यहां जो नुकसान हुआ वो कहीं और से भरपाई करनी है, फिर से हम किसी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जाएंगे। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रिस्क और रिवॉर्ड दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के चलिए, और अगर आपने कुछ हिस्सा लगाया भी है, मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो का 3 या 4 या 5% हिस्सा है, तो बहुत ज्यादा कोई पोर्टफोलियो में नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं हो कि यहां से फटाफट निकाल लें और कहीं और जाके फिर से और रिस्क लें, तो मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करें, इसमें इमीडिएटली रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा सीरियस क्राइसिस है, हाँ प्रॉब्लम है, बट आई थिंक इमीडिएटली उसमें रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। चलिए, वक्त है यहाँ पर एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, बने रहिए योर मनी के साथ।
और मनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फोकस है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। अग्रवाल सवाल लेते हैं, गोपाल अग्रवाल हमारे साथ थे, जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। गोपाल नमस्कार, अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की नमस्कार आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग आपने की तो बहुत ही ढंग से है अभी तक। सबसे पहले आपके इंश्योरेंस की हम बात करते हैं, कितनी पॉलिसीज हैं आपके पास? अभी मेरे पास LIC की 3 पॉलिसीज है, बिरला की 1 है और अभी मैंने एक ICICI की ली है एडिशनल। अच्छा, और एक अभी होम लोन लिया था उसको कवर करने के लिए मैंने IDBI से पॉलिसी ली है। अच्छा, और पूरा कुल कवर कितना है अभी आपके पास? करीब 1.75 करोड़ के करीब आएगा। अच्छा, और आपकी सैलरी कितनी है और आमदनी खर्चे के हिसाब किताब आपने ये लगाकर इतना कवर लिया है या फिर आपने एक रैंडम फिगर उठा लिया था? बेसिकली मैंने 1 करोड़ का लाइफ कवर रखा है और अभी लोन लिया है मैंने कुछ दिनों पहले 50 लाख का, वो कवर करने के लिए 50 लाख का ही लिया था। अच्छा, और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस? हेल्थ इंश्योरेंस कोई नहीं मैम अभी। अच्छा, सिर्फ अगर इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी हम बोलते सुरक्षा परिवार की जरूरी है तो पॉलिसी जितनी भी है सफिशियंट है या फिर आपको लगता है कि यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा कवर इनका जो लाइफ इंश्योरेंस कवर है वो 1.75 करोड़ है, उसमें से करीब 49 लाख जो है वो उनके होम लोन के लिए, तो उसको तो हम निकाल देते हैं क्योंकि वो एक आई थिंक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया, वो हर इन्वेस्टर को करना चाहिए। जब भी आप हाउसिंग लोन लें डेफिनेटली कोशिश करें कि उसको आप उसके सामने एक इंश्योरेंस कवर लेना, वो बिल्कुल सही है। अब इनका अगर हम इंश्योरेंस पोर्टफोलियो देखें इसमें 3 तरह के फंड है, एक तो जो है एंडोमेंट प्लान है वो ICICI का सेव एंड प्रॉस्पर है, उसमें उसके अलावा जो है एक टर्म प्लान है उन्होंने जैसा कहा ICICI का, और एक IDBI फेडरल का एक इनके पास एक और प्लान है जहां 49 लाख रुपीज का जैसे होम इंश्योरेंस जो है उन्होंने इसमें यहाँ पे कवर लिया है। इसके साथ में इनके पास पेंशन प्लान भी है, बिरला सन लाइफ की ड्रीम प्लान है उनके और उनके वाइफ दोनों के नाम में, और ICICI का भी एक उनके पास पेंशन प्लान 2 करके है। मुझे लगता है जहां तक प्योर रिस्क कवर की बात है इनको टर्म प्लान अपना बढ़ाना चाहिए, उन्होंने लिखा नहीं एग्जैक्टली कितना है टर्म प्लान बट मुझे लगता है वहां से उसको बढ़ाना चाहिए। उसके अलावा करीब 14,500 जिसके बारे में बाद में बात करेंगे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के लिए, तो अगर आप वो कर रहे हैं तो फिर आप पेंशन प्लान भी ले रहे हैं साथ में, तो मुझे लगता है कुछ ओवरडोज है वहां पे, क्योंकि वहां पे क्या है ना तो आपको सही रिटर्न मिल रहा है आपके चार्जेस भी ज्यादा है, तो मुझे लगता है डेफिनेटली वहां पे इनको देखने की जरूरत है। इसके अलावा जो इनके पास एंडोमेंट प्लान है उसमें करीब 1,21,000 का कुछ कवर है, उसका कुछ मुझे लगता नहीं मीनिंग है पोर्टफोलियो में रखने के लिए। तो मुझे लगता है गोपाल सबसे पहले आपको इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो थोड़ा सा कंसोलिडेट कीजिए, जैसा मैंने कहा टर्म प्लान को थोड़ा सा बढ़ाइए, और ये मैं कह दूं जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो आपने जो डिसीजन लिया है जो होम लोन को कवर करने का वो बिल्कुल सही है, पेंशन प्लान के बारे में भी थोड़ा सा सोचिए, और जो एंडोमेंट प्लान वो डेफिनेटली मुझे लगता नहीं आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। ऑल राइट, तो ये हो गई बात आपके इंश्योरेंस की। गोपाल इंश्योरेंस से जुड़ा कोई और डाउट है आपके मन में? नहीं, मेरा जो प्योर कवर है टर्म प्लान का वो 1 करोड़ का है इंश्योरेंस का, तो ये मुझे उसको और बढ़ाना है। नहीं, अगर 1 करोड़ का है वो तो फिर ठीक है, क्योंकि जो आपकी इनकम का लेवल जो करंट लेवल पे है उसके हिसाब से 1 करोड़ बिल्कुल ठीक है, फिर कुछ इशू नहीं है उसमें। ओके, और जो आपके पास एंडाउमेंट या फिर आपने रिटायरमेंट प्लान कुछ लिया हुआ पेंशन प्लान लिया हुआ है, आई थिंक उसकी जरूरत यहाँ पर नहीं दिख रही है फिलहाल हमें, तो आप उसे बंद करने का एक बार सोच सकते हैं, चेक कर लीजिएगा सरेंडर वैल्यू क्या होती है और कितना मिलेगा वापस आपको, आप उस 2 पॉलिसी को चेक कर लीजिए एक बार। आपके अगर अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की और आपके वित्तीय लक्ष्य की, आपने करीब 20 फंड में निवेश किया हुआ है गोपाल? हाँ जी मैम। ओके, 20 फंड में निवेश किया हुआ है और उन्होंने अपने गोल्स बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन करके रखे हैं। इसके अलावा इनका कुछ इन्वेस्टमेंट जो है इनकी FD वगैरह भी है, सेविंग अकाउंट में भी कुछ पैसे पड़े हुए हैं। ये पूरी जो प्लानिंग है इनके निवेश की उस पे आपकी हम राय लेंगे हेमंत, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद गोपाल आप भी बने रहिए हमारे साथ, लौटते हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।
योर मनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारा फोकस है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं वाइज इन्वेस्टर एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे गोपाल अग्रवाल से, हमने गोपाल के इंश्योरेंस के बारे में बात कर लिया, अब जरा उनके इन्वेस्टमेंट देख लीजिए। 20 फंड, कोई भी कितने भी गोल्स रहे, लेकिन क्या आपको लगता है 20 फंड होना पोर्टफोलियो में सही फैसला है या फिर ज्यादा है? नहीं, आई थिंक 20 फंड तो किसी भी पोर्टफोलियो के लिए ज्यादा है मुझे लगता है। बट जहां तक इनके हम गोल्स की बात करें, एक इन्होंने अच्छा काम किया कि गोल्स को ठीक से डिफाइन किया है। यहां पे एक प्रोसेस होता है, गोल को डिफाइन कीजिए, टाइम होराइजन दीजिए, एक टारगेट बनाइए, वो सब उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। यहां पे देखें इनके तीन जो गोल्स हैं वो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, दोनों बच्चों की जो एजुकेशन है और मैरिज है और खुद की रिटायरमेंट, और एक इनका एक शॉर्ट टर्म गोल है, चाहते हैं कि हर 3 साल के बाद फैमिली के साथ एक हॉलीडे पे जाएं, जिसके लिए करीब इनको 2.5 लाख रुपए चाहिए। अगर हम इनके गोल्स की बात करें, क्योंकि लंबा समय है, तीन गोल हैं, एक वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें जहां पे ये ऑलरेडी इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, 12% का अगर हम रिटर्न मान के चले तो इनके जो सारे गोल्स हैं, जैसे फर्स्ट चाइल्ड की अगर एजुकेशन की बात करें तो उनको करीब 4,500 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सेकंड चाइल्ड की अगर एजुकेशन की बात करें तो करीब 3,500, और फर्स्ट चाइल्ड की जो मैरिज है उसके लिए करीब उनको 2,000, और सेकंड चाइल्ड की जो मैरिज है उसके लिए करीब 1,500 रुपये इन्वेस्ट करना है। इनके अपनी रिटायरमेंट के लिए इनको करीब 5,500 इन्वेस्ट करना है। यहां पे हम 12% के रिटर्न मांग के चल रहे हैं, और जो आखिरी जो उनका गोल है शॉर्ट टर्म का, जो मैंने कहा हॉलीडेज के लिए, उसमें 9% की मैं एवरेज मांग के चल रहा हूं, क्योंकि टाइम होराइजन बहुत कम है, तो उसके लिए करीब उनको 6,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। तो कुल मिला के 30,000 रुपये अगर इन्वेस्ट करें, 23,000 रुपये इन्वेस्ट करें तो अपनी ये गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ये ऑलरेडी 30,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है इनको कोई प्रॉब्लम होगी। मुझे प्रॉब्लम है इनके जो उन्होंने गोल सेट किए हैं, जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सेकंड चाइल्ड की जो उन्होंने बात की एजुकेशन के लिए, 18 साल में 25 लाख की बात कर रहे हैं। अगर मैं 7% का इन्फ्लेशन लेकर चलूं स्वाति यहां पे, तो आज की करंट कॉस्ट पे करीब 7.5 लाख रुपए बनता है। तो इनको ये सोचना पड़ेगा कि हायर एजुकेशन 7.5 लाख में हो सकती है कि नहीं। इन्होंने अपनी रिटायरमेंट के लिए कहा मुझे 1 करोड़ का कॉर्पस चाहिए, लंबा समय की हम बात कर रहे हैं, 50,000 रुपए की इनकम की बात कर रहे हैं हर महीने, वो भी अगर मैं 7% इन्फ्लेशन लेके चलूं तो आज की करंट कॉस्ट पे करीब 9,000 बैठता है। क्या 9,000 में इनका गुजारा चल रहा है, ये देखना है इनको। तो मुझे लगता है दोनों गोल्स को फिर से रीडिफाइन करें, इन्फ्लेशन को पकड़े और फिर देखें, जैसा मैंने कहा स्कोप है इनके पास और ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए। जहां तक 20 फंड का सवाल है आपने कहा, बिल्कुल सही है, फंड को कम करें। सबसे पहले मैं कहूंगा जो सेक्टर फंड्स हैं, तीन सेक्टर फंड्स हैं, उनमें से निकल जाइए आप। सेक्टर फंड में ये नहीं कह रहा कि अच्छे नहीं है, एक अच्छी एडिशन हो सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस इन्वेस्टर के लिए जो ज्यादा रिस्क ले सकें। आप क्योंकि एक कॉर्पस बनाना चाहते हैं, आप सेक्टर फंड से दूर रहें तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा है। 3-4 फंड में और इनको बता रहा हूं स्वाति, जहां से ये निकल सकते हैं, इसमें टाटा प्योर इक्विटी देख सकते हैं निकलने के लिए, सुंदरम मिड कैप है, टेम्पल्टन इंडिया ग्रोथ फंड है, रिलायंस ग्रोथ फंड है। ये 4 फंड और 3 सेक्टर फंड अगर ये निकले इस समय तो 7 फंड यहां पे कम हो जाएंगे। इसके अलावा इनके पास ELSS है 3 या 4 फंड, वो भी जैसे 3 साल कंप्लीट हो उनको भी अगर आप वेल डाइवर्सिफाइड फंड जो बाकी आपके फंड में है, पोर्टफोलियो में है, वहां पे स्विच करें तो आपके फंड भी कम होंगे, पोर्टफोलियो कंसोलिडेट होगा, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपको गोल्स अचीव करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा साथ ही उन्होंने कहा कि इनके पास 10 लाख रुपए स्टॉक्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। स्टॉक में इन्वेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, आई थिंक आप इनफैक्ट आपको रिटर्न एक डाइवर्सिफाइड व्हीकल से अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या आप इक्विप्ड है खुद के डिसीजन लेने के लिए कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कब इसको बेचना है, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, डोमेस्टिक मार्केट में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है। अगर आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है तो मुझे नहीं लगता आपकी मेहनत की कमाई से आपको किसी तरह का रिस्क लेना चाहिए। इक्विटी एज एन एसेट क्लास में अगर आपको जाना है तो आप म्यूचुअल फंड को देख लीजिए, उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, लमसम पैसा भी इन अच्छे क्वालिटी फंड में डाल सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर ये इस तरह से पोर्टफोलियो कंसोलिडेट करें, थोड़ा चेंजेस करें, तो काफी हद तक जो उनको सक्सेस चाहिए वो उनको मिल सकती है। गोपाल, हाँ जी, कुछ और सवाल है? नहीं मैम, अभी एक नया प्रोविजन आया है इस बजट में, जैसे के ऊपर आप घर लेते हो तो कुछ TDS डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवानी है। जी जी, सेशन 2012-13 में किया है, तो ये प्रोविजन मेरे लिए भी लागू होगा या नहीं? बजट में जो अनाउंसमेंट हुई है उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहते हैं ये? नहीं, आपके लिए लागू नहीं होगा, तो अगले साल से लागू होगा, इन्होंने तो ऑलरेडी ट्रांजेक्शन कर दिया तो इनके लिए लागू नहीं होता। चलिए, तो उस फ्रंट पे आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है गोपाल, तो कुछ बदलाव कीजिए अपने पोर्टफोलियो में, अपने जो आपने लक्ष्य बनाए हैं उनको एक बार रीडिफाइन कीजिए। आपने इन्फ्लेशन शायद फैक्टर इन नहीं किया है, आपको वो करने की जरूरत होगी, लेकिन आपके पास कैपेसिटी है अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, तो बस एक अपना गोल्स को वापस से चेक कीजिए, नई रकम असाइन कीजिए सभी गोल्स के लिए और निवेश जारी रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए, और फिलहाल योर मनी में इतना ही, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।